अनिष्टफलस्य कर्मविद्यानिमित्तत्वात् स्थावरान्त पर्यन्तचित्रापि अनिष्टफले वो सब क्या है कर्म और उपासना ही निमित्त है समझो कर्म उपासना अच्छा ठीक है मैं थोड़ा कह रहे देखो तस्मिन अविद्या अद्वितीयता रागादि परिपत्री काम काम अपर पर्याय और रागो नाव कल्पत है तस्या विषय मोक्ष ब्रह्मविद्या का विषय क्या है मोक्ष मोक्ष क्या है अद्वितीय ब्रह्म ही है कोई और है नहीं इसीलिए तस्मिन तस्मिन अद्वितीयता वो अद्वितीय होने के नाते रागादि परिपंथी जो काम के अपर पर्याय वाची राग वह कल्पना भी नहीं कर सकते नाव कल्पते नहीं मिथ्या ज्ञान निदान और राग सम्यक ज्ञान आदि गम्य मोक्ष संभवती मिथ्या ज्ञान एक कारण जिसका ऐसा जो राग है सम्यक ज्ञान की तरह बुद्धि होता ब्रह्म रूपी मोक्ष तत्व में संभव ही नहीं है श्रद्धा तत्र भवती तत्वोदाधीन संसार विरोधी तन न संसार अनुशक्ति श्रद्धा तो वहां पहले मान भी लेंगे श्रद्धा तो तत्र भवती क्योंकि पूर्व पक्षी असंग हो सकता है भाई श्रद्धा में लभदे ज्ञान क्यों कह रहे हो कोई साधन नहीं होनी चाहिए वहां तब तो ब्रह्म की प्राप्ति में कोई साधन की जरूरत नहीं क्यों मैं हूं तो फिर साधन क्या जरूरत है उसको उस दृष्टिकोण से विचार करते हैं एकत्व अपने सर्वेकत्व श्रद्धा भी जरूरत नहीं है यदि कोई कहे तब जवाब नहीं 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 श्रद्धा तो मानना पड़ेगा वहां श्रद्धा के बिना सर्वा सर्वेकत्व का अनुभूति नहीं होगी उसकी अनुभूति के लिए जरूरत है अनुभूति के बाद तो कुछ भी नहीं है ना साथ साथ वो सब खत्म ही हो गया उसके बाद की बात नहीं कह रहे उसे पहले की बात चल रही है इसे श्रद्धा जो तंत्र भवती तत्वबोधाधीन या संसार विरोधिनी क्योंकि तत्वबोध के अधीन होने के नाते संसार के विरोधिनी श्रद्धा तो तत्व तत्वबोध के अधीन तत्व ज्ञान का जनक होने के अधीन मतलब क्या तत्व ज्ञान का जनक होने से संसार के जो विरोधी जो श्रद्धा है ना वो श्रद्धा जो रही संसार के अनुरूप श्रद्धा नहीं जो संसार के पदार्थ के विषय होंगे सांसारिक विषय में जैसी श्रद्धा है वैसे नहीं संसार की विरोधी श्रद्धा जो है ना वो आवश्यक है न संसार अनुशक्ति मुक्त विद्यता क्योंकि मुक्ति में संसार का गंध लेश मात्र भी संबंध नहीं है मोक्षे रागो असंभवा शास्त्रीय से जायते संसार हेतुत्व कर्मादि अशास्त्रीय से कथम तो तब कह दिया शास्त्री कौन है ये जाया दी है ये संसार का कारण और कर्मादे है शास्त्रीय से जायादे है संसार हेतुत्व ये जायादि जो पांग है ये संसार का कारण है फिर अशास्त्रीय से कर्मादे कथम तो जो अशास्त्रीय कर्म आदि है वो जगत सृष्टित्व का कारण कैसे हो गया तब कहते हैं इत्याशंका ये तेन अशास्त्री जाया परंपरा इत्यादि अविद्योत्तस्य काम संसार हेतु उपदर्शनी ना क्योंकि अविद्या से उत्पन्न जो कामना है ना वही संसार का कारण ये बात दिखा दिया है स्वाभाविक अभ्यान अविद्या अधीन काम परियुक्ता स्वाभाविक ही जो अविद्या के अधीन मुदा काम से प्रयुक्त हो जाने के कारण से ये जो अशास्त्रीय प्रज्ञा तप है कर्म और उपासना है वे ही जगत के सृष्टित्व में कारण बन जाता है बात यहाँ संक्षेप में कह दिया गया है कैसे शंका रहा है कि सप्तान ब्रह्म में यहाँ पर आपने जो पूर्व में क्या है सृष्टि के लिए शास्त्रीय प्रज्ञा तप को ही लिया था शास्त्रीय प्रज्ञा को पैदा करने के लिए जायम में सत लेकिन समस्या है जायम में सत बोलने में क्या कारण क्या भी शास्त्र कब तक किया नहीं करने के लिए जायम में सत बोल रहा है ना तो जब शास्त्र कर्म करेगा वो लोगों का साधन बनेगा लेकिन वर्तमान में जाया आदि पंच के अपने लिए जो सृष्टि कर ले रहा है इसमें क्या कारण है इसमें तप अशास्त्रीय अपने कृत जन जन्मांतर कर जो अशास्त्रीय कर्म था और अशास्त्री जो उपासनाएं थी वे ही कारण है इस समय उसके मन में आया अब मैं शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना करने योग्य बन जाऊं पहले उसने
अशास्त्र कर्म उपासना किया है और उसी पुण्य फल से मनुष्य हो गया। अब वह मनुष्य क्या करना चाह रहा है? और उत्कृष्टता को पाने के लिए, देवादि भाव को प्राप्त करने के लिए, देवादि लोगों को प्राप्त करने के लिए शास्त्र कर्म और शास्त्र उपासना करना चाहता है। अतएव उसने तदनुरूप साधनों के सृष्टि अपने लिए कर लेता है, जाया में से आद्वितम में से इत्यादि ग्रहण करते जाता है, तभी जाकर पूर्वोत्तर संबंध बनेगा। जो वहां भी यही को कारण ले लोगे फिर तो क्या हो जाएगा? शास्त्र कर्म उपासना के बाद लोक नहीं रह जाएंगे, जायादि हो जाएंगे, आपत्ति है ना। इसे जायादि की जो प्राप्ति है इसमें कोई शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय फल उपासना का फल रूप में स्वीकार करने की जरूरत नहीं। ये अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय उपासना फल स्वरूप आपको और छायादि प्राप्त हो जाएंगे। इनके द्वारा जो शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना करूंगा उसके द्वारा उत्कृष्ट लोगों की प्राप्ति का ही साधन को मानना उचित होता है। इसलिए भाष्यकार ने सब जान करके कहा है। अब सामान्य पूर्ण कर दिया, किसकी सेवा कर दी, वो सेवा एक पुण्य है ना। अशास्त्रीय बहिर्वेदी दान है, शास्त्रीय कर्म करने से क्या हो गया? अंतर्वेदी। शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना मतलब है पूर्व जन्म जन्मांतरों में जो किए हुए दर्श वर्ण आधारित यज्ञ वैदिक कर्म, उन्हीं को लेना शौच और स्मरण। अशास्त्रीय कर्म से इन सबसे रहित जो बहिर्वेदी जो हम करते हैं, कोई जो रहा है बेचारा सामान थका हुआ है, आपने देहा भी चल रहे हैं खाली है तो चलो मैं थोड़ा मदद कर दिया, एक और शास्त्र का विधान कर क्या है कि आपको ऐसा करना चाहिए है? है? सामान्य विधि हो गया ना, वो सामान्य विधि हो गया, वो शास्त्रीय नहीं मानी जाती, अशास्त्रीय कर्म ही माना जाए। शास्त्र के आपको सामान्य विधि बता दी, ये सब पुण्य कर्म है, अशास्त्रियों में पुण्य कर्म का संकेत करता है क्या? नहीं तो जो कुछ भी अशास्त्रीय है यदि संकेत न करे सामान्य कर्मों को जो शास्त्र के लिए आवश्यक छाया आदि सीत अग्नि आदि सापेक्ष होकर जो करना वही कर्म को हम शास्त्रीय कर्म लेंगे। कि जाय में से क्यों कहा था जो देवलोक की प्राप्ति के लिए हम लोग को जो पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र से हम लोग जीत होगा, फिर जो वित्त वित्त से जो कर्म करूंगा कर्म छाया और वित्त दोनों किससे क्या होगा? अग्नि सापेक्ष कर्म होगा और ये कर्म अग्नि निरपेक्ष का। इसलिए जो शौच शास्त्रीय कर्म और उपासना कहते ही वो पंचाग्नि आ जाए, दक्षिणाग्नि गारहपत्य सभ्य और आवसत्य, ये जो पंच अग्नियों को लेकर के किए जाने कर्मों को ही कहेंगे हम शास्त्रीय कर्म और उपासना। और जितने भी है वो अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय उपासना ऐसे मान के चलना है। और उसके भी लेकिन सामान्य विधि करना है, नहीं तो पता क्या चलेगा हम जो कर रहे पुण्य की पाप है पता नहीं चलेगा। इसलिए उसमें भी सामान्य कथन श्रुति संकेत कर देती है, उसको स्मृति विस्तार करता है। स्मृतियों में जो कई विधि नहीं मानी जाती उन चीजों को श्रुति है उसके अनुकूल, इसलिए जहां विधियां नहीं है क्या करते हैं हम लोग श्रुति श्रुति को कल्पना कर लेते हैं, जरूरी है उसके अनाथ नहीं हो सकता। सामान्य विधियों को जहाँ दान कितने किसको दान देना चाहिए, पात्र का वर्णन किया मैंने स्मृतिकार ने, ये सब विधि नहीं समझा जाए, वो शास्त्रीय विधि ये नहीं है, वो आपके अशास्त्रीय कर्मों का ही विश्लेषण है। शास्त्रीय कर्म और शास्त्र से जो हमें अधिकार प्राप्त हो रहा है कर्म कांड करने का वो वही है जो साग्नि का कर्म है। ऐसे संन्यास में क्या कहते हैं? अग्नि का उद्वास। ये नहीं कि आपको नित्य निमित्त कर्म वगैरह को छोड़ने का नहीं कहा, अग्नि का उद्वास करना। इसलिए संध्या में चतुष्काल संध्या बता दी, गृहस्थी के वह ब्रह्मचारी की त्रिकाल संध्या है और उसे चतुष्काल संध्या का ठीक है, बहुत कुछ मंत्र वैदिक मंत्र का पाठ कर चारों काल फिर है तो वहां भी कर्म कहां छूटा, कर्म है उपासना भी है। आप भी देख रहे हो निश्चित ब्रह्मचारी मेरे से पहले भाष्कर ने भी कहा था उन लोगों को उपासना है, ये सब सन्यासी मोक्षो जिज्ञासुओं के लिए उपासना आप पढ़ रहे हैं, ये जो चीज है ये अशास्त्रीय कर्म है तो वेद में कह रहा है, वेद भी कहा हुआ है लेकिन सागरिक न होने से निरग्निक होने से उसका कर्म निरपेक्ष उपासना है। कर्म निरपेक्ष मतलब क्या होता है? वो कर्म निरपेक्ष, ये भी कर्म ही है। इन अग्नि सापेक्ष जो कर्म कांड होता था यज्ञ मंडप में जो होता था उसी को तो आपने लिया पहले, कर्म सापेक्ष उपासना का क्या लेते हो आप? जहां कर्म कांड हो रहा है वहां वो यज्ञ आदमी बोल रहा है उसमें वो दृष्टि करो, वो कर्म सापेक्ष का तात्पर्य।
या फिर लौकिक कर्म वाले ने। इसलिए शास्त्रीय कर्म और उपासना मतलब है साधनिक ही होना, यानी कि वेद भीत का नाम शास्त्रीय। और यह अशास्त्र मतलब जब वेद अभीत स्मृति में अकथित ऐसा तो नहीं है ना, गुंडा कर दी बदमाशी वो नहीं। यह शास्त्री का तात्पर्य है निरग्निक कर्म और उपासना। तत्व विचार ये चल रहा था कि भाई अशास्त्रीय प्रज्ञा और तप को ही, मेधा और तप को ही जो स्वाभाविक है उसे जगत का सृष्टित्व मानना चाहिए। तो पूर्व पक्ष के मन में यह है कि भाई कर्म और विज्ञान शास्त्री को ही क्यों नहीं लेते हो जगत के कारण रूपेण, अशास्त्री क्यों लिया? तब जब वास्तव में स्थावरांत से अनिष्ट फल स्थावरांत जितना भी अनिष्ट फल है और स्वर्गीय उपरिंत जो इष्ट फल है इन सभी का कारण कर्म विज्ञान निमित्तत्व, सबके प्रति कर्म और विज्ञान ही निमित्तत्व, कर्म और विज्ञान निमित्त होता है। अच्छा इन वास्तव विवक्षितार्थ क्या है यहाँ? ये तो क्या प्रासंगिक विचार कथन कर दिया कौन निमित्त कारण है जगत की सृष्टि के प्रति, ये पहले सब कुछ नहीं था और पहले क्या था स्वाभाविक ही कर्म और उपासना माननी पड़ेगी अशास्त्रीय। अशास्त्रीयता में क्या निरग्निक, निरग्निक जो सर्वसामान्य जो शास्त्रोक्त जो सकल कर्मकांड और उपासना को ले लेना, उसके बाद पत्नी को पाएगा, पत्नी को प्राप्त करेगा, पुत्र को प्राप्त करेगा, पुत्र को प्राप्त करने के बाद ही वो शास्त्रीय कर्म जो अग्नि सागरिक कर्मों का अधिकारी हो जाता है। और प्रकरण उसी का चली रहा है आते हुए यहाँ इस तरह से लेना है, ये तो कथन कर दिया गया। लेकिन पूरी प्रकरण का विवक्षित अर्थ क्या है? ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाना। विवक्षित तो शास्त्रीय साध साधन भाव ब्रह्म विद्या विदित तद वैराग्य विवक्षित लेकिन वास्तव विवक्षित अर्थ क्या है? शास्त्रीय कर्म और उपासना ही लेना। क्यों? उन्हीं कर्मों के रसवर्गादि की इच्छा करने लग जाते हो, उससे वैराग्य कराने के लिए आपको उसी का कथन करके दिखाना है। कर्म का फल हमेशा क्या होता है? अनित्य होता है। इसे शास्त्रीय व साध्य साधन भाव विवक्षिता, शास्त्री ही साध्य साधन भाव रूपेण परिगृह्यमान मेधा तत्व कर्म और उपासना ग्रहण करनी चाहिए। विवक्षित क्यों विवक्षित कर रहे हो मुख्य अर्थ है? क्योंकि प्रविद्या विदित सया प्रविद्या का विधान करने की इच्छा से तद वैराग्य से उच्छेद इस संसारिक सकल लोक की जो है फल रूपा सकल लोकों के प्रति वैराग्य विवक्षित है। उसी को विस्तार करते हैं वैराग्य विवक्षित क्यों है? सर्वो यम व्यक्त व्यक्त रक्षण संसारो अशुद्ध अनित्य साध साधन रूपो दुखो अविद्या विषय तस्मत विरक्त से प्रविद्या आरंभ थी। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है वही प्रविद्या का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जो ये जान रहा है दृढ़ निश्चय कर लिया सर्वो यम व्यक्त व्यक्त लक्षण संसार व्यक्त व्यक्त रूप संपूर्ण जो संसार है ना ये संसार कैसा है? अशुद्ध है, सदोष है, निर्दोष हो ही नहीं। इसी को वैराग्य के लिए जो बताएंगे ना जो कुछ भी आप खा रहे हो हम जो खाना पीना करते हैं सब सदोष है, सब पाप है। पाप रहे के बिना आप एक ग्रास से मुंह में डाल नहीं सकते। मैंने ये खाना जीना ये सब पाप, जीना भी पाप, ये श्वास ले रहे हैं इसे पाप। इस तरह से इन सब से इसे कथन किए ना वैराग्य होगा नहीं, वैराग्य ना तो ब्रह्म ज्ञान कर जाओगे। ये सब कुछ सदोष है। अभी जो श्वास अंदर जाता है हजारों कीटाणु मर जाते हैं। आपने बना रखे बढ़िया विशेष यहाँ से वहां से जो फिल्टर मशीन लगा रखे हो वो फिल्टर मशीन फंसते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं और वही बाद में जो है दूसरे श्वास बाहर आ जाता है। प्रश्वास विश्वास जो बाहर आ जाएगा निश्वास जब करोगे फेंक दिए जाते हैं बाहर उस चीज को, जैसे आप कहते प्रदूषित वायु जो बाहर जा रहा है सब गंदगी के साथ बाहर आता है और ये मोटा मोटी फंसा पड़ा है वो जब आप जुकाम वुकाम हो जाओ छेड़ोगे तो सब बाहर निकल जाता है, नीति वगैरह करने से बाहर आ जाता है।
कहीं जितने भी सब अंदर से जाते और कई चीजें हैं जो यहाँ से बाहर दिखते तो है नहीं आपको, अंदर ही चिपक गए और उसको धोते हैं जब अंदर से जो है खून आदि की तरह स्वच्छ होता हुआ वो शौच मार्ग से बाहर निकल जाता है, कोई लवशंकर के मार्ग से बाहर निकल जा रहा है। ये सब क्या है? मरे हुए और ऐसा अशुद्ध पदार्थ ही है जो निकल रहा है, तो पाप क्यों नहीं हो रहा है? जीने में भी पाप है। ये सप्तान ब्राह्मण के द्वारा लक्षित आते हैं। ये संसार अशुद्ध है, ये संसार अनित्य है, साध्य साधन रूप होने के नाते दुख रूप ही है, अविद्या से चक्की तस्माद व्रतस्या। इसलिए ऐसा निश्चय करके ये तस्मा संसारा एतारिश संसार से जो विरक्त पुरुष होगा उसी के लिए प्रविद्या रतव्या, उसी के लिए प्रविद्या का आरंभ होनी चाहिए। तत्र अन्नानां विभागेन विनियोगोच्यते, इसमें भी अन्नों का विभाग पर विनियोग कथन करने जा रहे हैं। अन्नानां विभाग पूर्वक विनियोग उच्यते, एकम वस साधारण मंत्र पद मंत्र का हिस्सा था उसकी व्याख्या, तो उसकी व्याख्यान उसकी व्याख्या किया जा रहा है। इदमेव से तो साधारण मंडम, यही है वह साधारण उत्तम भोक्तृ समुदाय से। इस भोक्तृ समुदाय जितना भी जीव जंतु चराचर जितने भी है, इन सभी के द्वारा जो कुछ भी खाया जाता है वही वह पहला सर्वसाधारण अन्न है। किंत क्या है वो? इदम अद्यते पुच्यते सर्व ही प्राणी भी, वह यह जो खाया जाता है सकल प्राणियों के द्वारा, अहनी अहनी दिन प्रतिदिन खाया जाता है, जो कभी कभी खाने वाली चीज नहीं, रोज रोज खाते आप चावल दाल भात वगैरह ये सारी चीज। सर्वभोक्तृर्थम अकल्पयत पिता सृष्टवान अन्नम, सकल भोक्ताओं के लिए ही अन्न रूप में सृष्टि कर दिया था, उस पिता ने विकल्पना करते हुए कल्पना करता हुआ उसको विभाजन करके रख दिया। ये जो चीज है चावल दाल वगैरह ये जो सर्वान है सभी के भोग करने योग्य है, ऐसा लग कर दिया। साधारण सर्वता प्रतिकरम बुझमान अन्न उपास्ते तत्पर भवितः, वह यह जो साधारण सर्व प्राणी प्रदों के द्वारा स्थिति के उपयोगी जो भोगा जाता है अन्न, वह अन्न को उपास्ते अर्थ तत्पर भवति तत्पर होता है। तत्पर होने का मतलब क्या होता है? तन्निष्ठ हो जाता है, तदधीन हो जा रहा है। उपासना में नाम तात्पर्य दृष्टम लोके, उपासना उसी का नाम है जो तत्परता, तत्पर से भाव तात्पर मैंने तन्निष्ठता, किसी एक वस्तु के प्रति निष्ठा करने का नाम है तत्पर। ये लोग ने देखा गुरु उपासते राजन उपासते इत्यादि लौकिक दृष्टान्त। तस्मात् शरीर स्थिति अर्थात शरीर स्थित्यर्थ अन्नोपभोग प्रदान नादृष्टात्कृत प्रदान इत्यर्थः, इसलिए शरीर स्थिति करने के लिए अन्नोपभोग प्रधान ही होते हैं ये, न अदृष्टार्थ कर्म प्रदान, अदृष्टार्थ कर्म प्रदान ये नहीं है इत्यर्थः। स्वयं वो तो ऐसा होगा होता बाबा व्यक्ति जो कोई भी होगा जो भोजन पानी करने वाला न पाप बनो अधर्माद व्यावर्त वह पाप से व्यावर्त नहीं हो सकता, अधर्म से व्यावर्त नहीं हो सकता, अभिमुच्छति चेतन कभी पाप से मुक्त हो नहीं सकता। जो कोई भोजन पानी कर रहा है वो सब पापी है, वो पाप कर रहा है सब। इसे क्या प्रमाण है? मंत्र वर्ण प्रमाण मोघम अन्नम विंदते, ये कह दिया नीचे पूरा दिया मंत्र। न व्रताघात पशु न चैक मशनीया विधिवर्जम न निवर न निर्वपेत, आनंदगिरी में तथा च मंत्र वर्ण नीचे नंबर नीचे टिप्पण में दिया पूरा मंत्र नीचे दिया। अप्रचेता सत्यम तस्य नार्यमानं पुष्यति नो सखायं केवलागो भवति केवलादिशेषः।
मोहम मन्नमिति ते मैंने पाप युक्त कोई भोग कर रहा है। मोह विशिष्ट मन्नमिति मोघम मन्नम, पाप विशिष्ट का ही वो प्राप्त किया है। और अप्रचेता सत्य मुने अप्रचेता संबोधन, मैं सत्य बोल रहा हूँ बोधहिता तस्य नार्य मनम पुष्टि, निश्चित रूप से वह परान्न का वध करके स्वयं को भोग कर रहा है। इससे पितर लोग कभी प्रसन्न हो नहीं सकते, नो सकायम कोई मित्र भी प्रसन्न नहीं हो सकता। केवल आगो केवल पाप रूप है, जो केवल आदि होता है, जो अकेले खाने वाला होता है, ऐसे श्रुति कहती है। स्मृति रवि नात्पातम पाचेदन्नम नवृता घाते पशुम नचे कस्वम अश्नीयात विधिवर्जम न निर्वपेत। ये यहाँ स्मृति शेष है आनगिरी में। नात्पातम पाचेदन्नम, अन्न जो है ना अपने अकेले के लिए पकाना नहीं चाहिए। नवृदा खाते पशु, पशु को व्यर्थ ही मारना नहीं चाहिए, यज्ञ के लिए हो तो मारो नहीं तो नहीं। न चाहिए का स्वयं अष्टियात, अकेला कभी खाना भी नहीं चाहिए। विधिवर जमन निर्वपेत, और विधि निषिद्ध जो पदार्थ है उनका किसी भी कार्य के निर्वाप नहीं करनी चाहिए। और गीता जी भी कह रही है अप्राय यो भूंते स्थिर एव सह इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तेर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भूंते स्थिर एव सह इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता। जो यज्ञ के द्वारा इष्ट जो पूजित जो देवता लोग हैं, वो देवता लोग क्या करते हैं, आपके द्वारा वांछित फलों को भोगान इष्टान भोगान यज्ञ जो संकल्प से वांछित जो फल है उन फलों को वो देवता लोग जो यज्ञ से भावित हुए हैं वे आपको प्रदान करेंगे। और उनके द्वारा दिया हुआ तैर दत्ता ने वह अप्रदाय अन्यों को बांट करके उन देवताओं को भी दे करके अन्यों को बांट के बिना ही यो भूमते वास्तविक वो चोर है। ऐसे अन्नादे प्रणहा मार्ष्टिनी इत्यादि, अन्नादे पुनहा माष्टी अनेना अभिशंसति स्थिर प्रमुक्तो राजनी यावन्नानृत संकरः। नीचे बिल्कुल नीचे वो कोडपत्र जा पर दिखा ना, उसमें पूरा श्लोक दिया है। अन्नादे पुनहा माष्टी, महापापी ब्राह्मण हत्यारा भी है, वह भी दूसरे को खिला करके अपने पाप से मुक्त हो जाता है। जो दूसरा है उसको अन्न खिला दो आप ब्राह्मणों को, ये जितने सेठ लोग हैं क्यों भंडारा देने आते हैं, भाव तो बाहर है क्या, वो इसलिए आ रहे हो जानते हैं हम पाप करके कमाए हुए हैं, पाप कैसे धोया जाए, कैसे भंडारा खिलाओ, सारा पाप या देख करके आप लोगों को वो और ब्राह्मण के लिए पाप लगता नहीं, क्या आप तपस्वी है, आप जो है ध्यान भजन करते हैं स्वाध्याय करते हैं, आपको भंडारा स्पर्श नहीं करेगा, उसका पाप तो दूर हो गया लेकिन आपको पाप स्पर्श नहीं होगा, कहां गया फिर पाप नष्ट हो जाता है, प्रायश्चित विचार नष्ट हो जाता है। यदि आप उधर गायत्री जप वगैरह नहीं करोगे तो आपको पीछे चिपक जाएगा, चुड़ैल बन के पीछे आ जाएगा। इसलिए कहते हैं अन्नादे प्रणहा मार्ष्टि, प्रणहा जो होगा तो अन्नादे मैंने अन्न को खाने वाले को निमित्त से वह मार्ष्टि मार्जन कर ले, पापों को धो लिया, और जिसको कोई पाप ही नहीं फिर भी वो खिला देता है दूसरे को तब क्या होगा, अनेना अभिसंशति, जिसका कोई पाप ही नहीं है वही दूसरे को भोजन खिलाता है उस पुण्य को प्राप्त करता है, पुण्य को प्राप्त स्थिर प्रमुक्त राजनी यावन्नानृत संग्रह। जब तक अनृत संकर नहीं होता तब तक जो है वह अनृत संकरता से रहित जब तक नहीं होता तब तक समझो उसी प्रकार का है जैसे जो राजा होता है, राजा के पास जो पड़ा हुआ चोर के समान, जब अनृत संकरता से रहित निश्चय हो गया राजा क्या करता है चोर को, चांद के वगैरह में दृष्टांत है ना, जो चोर है पता कैसे जगता है, सत्या तो
चलता हुआ लोहा पकड़ा दिया, पकड़ लेता है और हाथ चलता नहीं, तो मरे रहने की शक्ति बोल रहा है। यदि जल गया तो हाथ तो जला ही और बड़े चेन में भी जिंदगी काटनी पड़ जाती है असत्य बोलने वाले को। इसलिए कहते हैं यहाँ पर दृष्टांत दे रहे स्थिर मुक्तो राजनी, राजा के सामने में स्थिर जो है ना नान्द्रत संकर धान्द्रत संकर वाला नहीं था, इसलिए वो प्रमुख चीज हो जाता है। वैसे यहाँ पर जिसके पास कोई पाप नहीं है, पान दान करता है तो उसे पुण्य को ही प्राप्त करता है। विस्तार से अपने आप देख लीजिए, बाकी अर्थ हमने बता दिया। अन्नादि प्रणामार्थी इत्यादि से प्रमाण, इसलिए जब भी आप खाते हो क्या है दूसरे का हिस्सा खा रहे हैं, है ना। इसलिए कहते मोगम विफलम देवादि अनुपोच्य मन्नम यदि ज्ञान दुर्बलो लभते, ज्ञान दुर्लभो लभते। भाष्यकार आनंदगिरि में करे को 338 पृष्ठ में मोघम विन्दते मोघम मन्न विन्दते पर बोलते वक्त लिखा है मोघन विफलम देवादि अनुपोच्य मन्नम यदि ज्ञान दुर्बलो लभते तदा सवदैव तस्य तो वास्तव वो दूसरे का वध ही कर साधारणस्य असाधारणीकरणं निदितमित्यर्थ। जो सर्वसाधारण है उसको अपने मात्र के लिए संकोचित कर दिया, असाधारण भाव को प्राप्त करा देना भी पाप है। इत्यादि अस्मात् पुनः पाप न व्यावर्तित है। भाई क्या कारण है अपने आप पाप से व्यावर्त नहीं हो पा रहा है। मिश्रमी तो सर्वेशम स्वम तद अप्रविभक्तम तद प्राण परिपूज्यते है, क्योंकि जितना भी है मिश्रमी तो सर्वेशम सर्व प्राणी साधारण होने से मिश्रम ने सर्व प्राणी साधारण ही सर्वेशम स्वम भवती, इसलिए वो जो अन्न है वो सभी का स्व है, सभी की संपत्ति है, किसी एक की नहीं होती। इसलिए आप जाते क्या है पैसा दे करके अपना दुकान में जाएंगे तो दुकान में जो पड़ा हुआ चीज किसका है, दुकानदार के साहब मेरा है कहता क्यों उसे करके रखा है, किस लिए अरे सबके लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जैसे कोई भी सबको बेचता कि नहीं बेचता है, जो भी चला जाए हाँ आइए आप आइए बढ़िया हो गया आप आ गए आज 4 रुपये भी कमा लेंगे और क्या, जो सीधा साधा आदमी है 4 रुपये ज्यादा कमा लेंगे, तो सबको दे रहा कि नहीं दे रहा है, वो किसी का भी नहीं सबका। आप भी ले जाते हो घर में, आप अपने अकेले थोड़ी खाए, 4 लोग खाए, आप दान भी देते हो भीख मंगा के उसको भी दे देते हैं, इसका तो वो अन्न वास्तव क्या सर्वान है सर्वसाधारण। जब तक आप अपना खाएंगे नहीं तब तक आपके यहाँ पेट में दर्द गया तब तक आपका अपना नहीं है, जब तक पड़ा है वो सब खाए पता नहीं कौन खाएगा उसको, आपको मालूम भी नहीं कौन खाएगा, जो घर में पड़ा अन्न को आप ही खाएंगे कोई जरूरी है, आपके घर के लोग खाएंगे भी जब नहीं, अचानक कोई रिश्तेदार आ गया कोई उनको भी तो खिलाओगे, इष्ट मित्र आएंगे उनको खिलाएंगे, पता है नहीं कौन कौन आता है कौन कौन खा के चला जाता है कुछ नहीं पता। इसे जो भी अन्न कहां भी है यही भी है जितना भी मात्रा में है वो सर्वान नहीं होता है, किसी एक अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि मिश्रम ही है तब, ये जो अन्न है पहला अन्न वो मिश्र ही क्यों सर्वेशम ही स्व सभी का स्व है सभी का संपत्ति तत् अप्रविभक्तम तत् प्राणैर्भिर्भुज्यते, और उसको अप्रविभक्त रूपेण रख दिया गया है, अप्रविभक्त ने विशेष विभाग नहीं किया, अतएव सकल प्राणियों के द्वारा भोग करने योग्य पदार्थ समझो अर्थात साधारण है। सर्वोचित्वादेव यो मुखे प्रक्षिप्य मानो भी ग्रासः परस्य पीड़ा करो दृश्यते, आ गया ना, इसे सर्वोच्च होने के बावजूद भी जब आप मुख में उस चीज को डाले जा रहे हो दूसरा जो सामने खड़ा कोई है मुखे प्रक्षेप्य मानो भी ग्रासः परस्य पीड़ा करो दृश्यते, पर को बड़ी पीड़ा देती। अरे खुले होटलों में बैठ के इसे दक्षिण भारत में लोग खाना मना करते, होटल भी आजकल बंद वहां बनते बहुत बढ़िया बनते, कारण क्या आप यहाँ जैसे होटल है इसे बैठ जाओ तो बाहर बैठे रहोगे वो कुत्ता सामने बैठा रहेगा, और आप खाए जा रहे हो हिल
आ रहा है बेचारा, पूछ मेरे को दो, मेरे को दो। और उसके दृष्टि मुंह में पानी आ रहा है और हाँ स्वाहा स्वाहा करे जर बिजर लज्जता व्रत जो है शर्म नहीं कुछ नहीं खाए जा रहे हैं बेचारा वो दुखी। अब आप चले जाते देखते रहे तो गया यूं ही बिना दिए, चलो कोई दूसरा दे दे। वो लगा रहता आसन लगा कर बैठिए नहीं, दिन भर लगा है कोई रुपये का टुकड़ा फेंक दे। इधर से कहीं भी देख लो आप सब जगह ही दिखता है, इसलिए नजर पड़ जाना मतलब लोगों का नजर पड़ जाता है, इसलिए शरीर में लग नहीं रहा है, चाहे जितना भी खाओ लगता नहीं, इसलोग खाते दूसरे के मन में है ना वो जलन रहती है। आजकल भी सब घरों में नौकर सिस्टम हो गया, इसलिए बीमारियां भी बढ़ गई, इसलिए पढ़ नौकरों को आप खिलाते बड़ी पेट में दर्द खिलाते थे बना बना करके, लेकिन मन में उनके अंदर होता है देखो नहीं बढ़िया माल खाते और हमको जो बासी देते हैं, हमको तो मिलता नहीं खाने, उनको तो उनके पेट तो कभी भरना है नहीं, समस्या तो ये दोनों तरफ स्पष्ट आया है। इसे सपा क्यों ने ज्यादा श्रेष्ठ होता है, झंझट खत्म चीजों से आपने बना है पराधी ने सुनो स्वप्न हो में ना ही, इसलिए कहा पराधीनता का जो है जो ऐसा जो व्यक्ति रहता है उसको सुख स्वप्न में भी प्राप्त होता है, इसे कहते हैं सर्वोच्च निगरानी। आप भले मुख में प्रक्षिप्त कर रहे ग्रास को लेकिन हर से पीड़ा करो दर्शन नहीं, क्यों उसके मन में क्या है मम एकदम सियाद ममो पर भी एकदम सियाद मेरा भी मेरे को भी कुछ हिस्से में से ऐसा मिल जाए। यदि सर्वेशम तदराशा प्रतिबद्धा सभी के अंदर जो है ना एक आशा बनती है। और ये जो दृश्यमान दृष्टांत दिया अदृश्य बहुत सारे देवी देवता सब बैठे हुए हैं उनके अंदर आशा बनती हुई है क्योंकि हिस्सा आपने नहीं दिया, वो देखते रहते कभी हमारे हिस्सा देगा, आप नहीं दोगे तो देखते रह जाएंगे बेचारे, उनका दुख ही आपके लिए दुख का कारण है, वही पाप है। लेकिन परिदृश्य कोई नहीं हो तो क्या होगा, अदृश्य बहुत सारे हैं बहुत सारी चीजें घूम रहे हैं देवदारों को बैठे उनको देना ही पड़ेगा, इसलिए आचमन करते हैं नहीं, फिर पंच प्रणावती पहले वहां पर पंचभूत बलि देना पड़ता है, फिर सर्वभूत बलि अलग, उसके बाद पंच प्रणावती, उसके बाद भी कहा गया यज्ञ जैसे करो इसको प्राणाग्निहोत्र बनाओ इसको मंत्र जाप करते स्वाहा, ये नहीं कि मैं खा रहा हूं और स्वाहा भगवान के नाम की कर लो, उन्होंने नारायण है स्वाहा बस मुझे नारायण को मिल गया, नारायण तो विश्वंभर है सबको मिल गया, विश्वा है स्वाहा कर दो कुछ भी कर दो, कोई भगवान एक ही है अनेक भगवान तो है नहीं नाम अलग, कोई भी नाम लेके स्वाहा स्वाहा कर दे बताओ झंझट खत्म, वो ये पाप नहीं सर्वदोष नहीं लेने कितना कहाँ अकल है, उधर देखते हैं बाल्टी क्या आ रहा है दिमाग तो बाल्टियों में लगा हुआ है, कहाँ स्वाहा बोलते रहो दिक्कत हो जाती ना। तो इसलिए कहते हैं कि तस्मात न परमा परम अपीड़ित्व कृषि तुम अपिशक्त थे, इसे दूसरे को पीड़ा दी बिना आप एक ग्रास में खा नहीं सकते, दुष्कृतमी मनुष्य अन्नम आशर्ते तिष्ठते यो हि यस्य अन्नम अष्टादि स तस्य अष्टादि किल्बिषम इत्यादि स्मरणाच्च, दुष्कृतमी मनुष्य अन्नम आशर्ते तिष्ठते, ये मनुष्य लोग अन्न को आश्रित करते तो जीवित रहना यही सबसे बड़ा पाप है, क्यों जो भी जो कोई भी अन्न खाता ना हो किसी न किसी दूसरे का ही अन्न खा रहा है इसे सदस्य अष्टादिकम वो उसके पाप को खा रहा है, दूसरे का दिया अन्न को आप खा रहे हैं इसलिए आप जो उस दूसरे के पाप को ही खा रहे हैं। यस्य अन्नम यो अष्टादि स पुरुष तस्य किल विषम एव अष्टादि वो उसके पाप को ही खा रहा है, इसे बताओ कहां रहा
सेठ रहा करके भंडारा करते खिलाए घर जाते हैं, हम बैठे बैठे जी भजन नहीं करोगे तो फिर गया सबका पप पप ढेर भर जाता है। इसलिए देखो बाबा लोग बहुत दस साहब बीस साहब के बाद पागल हो गए, क्या हो गया दिमाग खराब, क्यों पागल हो गए, कारण ये पाप भरते गया और भजन कुछ किए, इतना पाप बढ़ गया दिमाग खराब हो गया, कुछ 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 ना कुछ कुछ हो जाता है। हर कर्मज से भोगन एक अलग चीज है और इस कारण से होना एक अलग चीज, प्रहार कर्म से तब मानी जाएगा ना, जब आप अपना नित्य रहते सब कर पूजा पाठ कर्म कर स्वाध्याय कर सब कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अनेक रोग आ गया अनेकों प्रकार से सता रहा है, तो वो प्रारंभ कर अब कुछ नहीं कर रहे क्यों लोग भंडार का ठेकेदार बन गया हो। इन बहुत आश्चर्य होता है कलयुग में जो है ना, जितना पाप करो उतना ही हट्टा कट्टा तगड़ा मजबूत रहेगा, अंत ऐसा भी हो बात अलग, अगला जन्म क्या होता है उसका एक अलग बात है। जितना पुण्य जो है प्राप्त करके पाप अक्षय करने का प्रयास करते हैं उतनी ही ज्यादा आपको विघ्न डालते नहीं होता, विघ्न और कुछ नहीं, ये सब रोग यह होते हैं विघ्न रूपेण देवताओं द्वारा भेजा गया है, जाओ ये जो स्वाध्याय भूत कर रहा है ये भंडारा खा के सोता नहीं है, इसे उसको बीमार कर दो तो इसको सोना पड़ जाए, स्वाध्याय न करना पड़े, ज्वरा आदि को भेज देते हैं, इसे ज्वरा थी ना, एक जटा से फेंक दिया गया तो ज्वरा बना दे जाओ नाश कर देंगे, देवताओं अगर भेजे जाती है और तब जब आप नित्य नैमित सकल कर्म करके बावजूद यदि कोई व्यवधान हो रहा है तो कल्पना कार्य करके फल करके, अन्यथा नहीं, यदि एक अन्य काल खाए हैं उसी पाप फल को हम भोग रहे मानना पड़ेगा, तो फिर कैसे बच सकते हैं वो बात अलग चीज है, वो बताया उपाय हमने, भाई भोजन को भी यज्ञ कर लो, प्राणाग्रहोत्र यज्ञ रूप धारण करा लो तो बच जाता है। बड़े बड़े लोग करते रहे हैं, जैसे आप आता है तपोवन महाराज जी के बारे वर्णन आता है, वो जब बैठते थे भिक्षा के लिए ना बाहर दरवाजे के सामने कपड़ा टांगा झोंपड़ी में पर्दा ऐसा लगा दिया, तो समझ लीजिए भोजन पा रहे हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं जाए, कोई भी आता भिक्षा भी दूसरा लाके देता, लाके दे दिया उसके बाद बंद दरवाजा, और खाते थे बता रहे हैं कि एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता, एक घंटा से कम कभी नहीं, एक हाथ में लिया कोली पांच बार मंत्र बोलना और फिर मुंह में डालना फिर बैठ जाना, धीरे धीरे 32 बार मंत्र बोल के चबाना, फिर उसको अंदर लिया मंत्र बोलते अंदर डाल दिया, फिर एक बूंद पानी अलग डाल देते एक कटोरी, और फिर दूसरी कटोरी उठाए पांच बार बोले, ऐसे क्रम से खाते थे एक घंटा, और कोई बीच में आ जाता था ना तो हो गया था ले जाओ, यदि बाई चांस कोई घुस गया तो भिक्षा वही बंद करा, इतना सख्त थे, और भी ऐसे कोई विधान थी नहीं, लोग कहेंगे कैसे विधान थी ऐसे करता था, एक आदर्श का आदर्श भी स्थापना कर रहे, अपना सर्वस्थिति है या नहीं वो अलग बात छोड़ दो उसको, फिर ऐसे महापुरुष लोग भी इस प्रकार से क्यों करते थे, इसलिए न कि ये दोष है परान्न दोष बहुत है, ये परान्नम दुर्लभम लोके है नहीं आज जमाने, परान्नम सुलभम लोके हो गया है, कहाँ दुर्लभ, रोज ही मिल रहा चारों तरफ, परान्नम सुलभम बहुत सारे नक्षत्र खुल रखे हैं, परानम सुलभम लोके हो चुका है, लेकिन जो है पाप भी सुलभ हो गया, इस तरह करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, आज भी लोग इस तरह के साधक लोग विराजमान है, बड़ी निष्ठा करते इसलिए बच जाते हैं। ये एक देशी ने इसकी व्याख्या रख लिया, साधारण से लिया वैसुदेव गृहिणा वैसुदेव आपके मनम यद आहानी आहानी निरूपित है, कुछ लोगों ने ऐसी व्याख्या किया कि भाई जो गृह के द्वारा वैष्णदेव अग्नि के लिए वैष्णदेव बलि जो प्रतिदिन अलग करके देता है उसी को आप यहाँ पर सर्वसाधारण ले लो, ऐसे भरत प्रपंच का सिद्धांत है, वैष्णदेव आपकी जो बलि प्रदान करते हैं समस्त गृहस्थी लोग और ब्रह्मचारी आदि उसी को यहाँ पर सर्वसाधारण रूपेण लेना चाहिए।
तन्नो सर्वत्र साधारणत्वं वैशुदी वाक्यस्य अन्नस्य न सर्वप्राण प्रतिपूज्यमान अन्नवत् प्रत्यक्षं भवति. सर्वभोक्तृ साधारणत्वं वैशुदी वाक्यस्य अन्नस्य के भाई वैशुदेव नामक जो अन्न है ना वह सर्वभोक्तृ साधारण नहीं हो सकता. वैशुदी वाक्यस्य अन्नस्य सर्वभोक्तृ साधारणत्वं न, क्यों? सर्वप्राण भृद्भुज्यमान अन्नवत् प्रत्यक्षम, क्योंकि सर्वप्राण भृदों के द्वारा भुज्यमान अन्न के सदृश यह वसुदेव आख्य अन्न प्रत्यक्ष रूप में अनुभव में नहीं आ रहा है कि वह सर्वभूत संबंधी है. जैसे आप जो डाल रहे हैं वसुदेव बलि कर निकाल के रख रहे हैं वो जो अन्न है सर्वभूतों के द्वारा भुज्यमानत्व प्रत्यक्ष नहीं होता. आपने भावना करके रख दिया सर्वभूत स्वाहा करके अंत में रख दिया. ऐसे कहने मात्र से सर्वभूतों के मूचित्व संबंधी हो गया ये अन्न, ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता. अन्य व्याख्या अन्नों में तो क्या है, चावल दाल गेहूं वगैरह में सारी चीजों में कुछ वहां भी खा रहा है, सब कुछ तो देखने को मिल रहा है, हर तरह के जीव जंतु खा रहे हैं उस चीज को, ये तो प्रत्यक्ष है. आपने भोजन बना के जो टुकड़े रख दिया ये सर्वभोज्य है, भोज्य है, ऐसे नहीं देख रहे. इसलिए वैष्णदेव बलि को संसार रूप में ग्रहण करना भी उचित नहीं. और विस्तार कर रहे ना भी यही दम मध्य थे, और ये भी बात कर यदि दम मध्य थे तब सर्वम साधारण अन्नम वो कैसे घटेगा. जो कुछ भी सभी के द्वारा आदरणीय वो सारा अन्न, जितने प्रकार के भी अन्न वो संसारण कहा गया. आपने जो डालते हो वो सर्व सर्वाधरी है क्या, क्या तो सिंह भाग खाएंगे तो मांसाहारी है या नहीं. सर्वाधरी तो जो सिद्ध किया यही दम अध्यते तद विषय वचनम नाप्य अनुकूलम, तद विषय जो वचन है वह भी अनुकूल नहीं बनता. अन्न सर्वसाधारण अन्न विषय ये जो वचन था यही दम अध्यते तद सर्वम वो वचन अनुकूल नहीं बनता. विस्तार से समझाएंगे क्यों उनको नहीं पड़ रहा है. सर्व प्राण प्रतिपूज्यमान अन्नांत पादित्व अच्छा है वैष्णदेव वाक्य, क्योंकि वैष्णदेव वाक्य जो अन्न है ना वो क्या है, सर्व प्राण के प्राणधारियों के द्वारा पूज्यमान जो अन्न है उसके भीतर का वो भी है और वैष्णदेव वैष्णदेव अन्न के अंतर्गत सर्वान्न नहीं है, नहीं सर्वान्न के अंतर्गत एक टुकड़ा है वैष्णदेव, ये अंतर है. इसे वैष्णदेव अन्न को सर्वसाधारण अन्न कह देना उचित. वही कहते हैं श्व चांडाल आदि अध्यस्य अन्न ग्रहण, इसलिए श्व चांडाल आदियों के द्वारा भी जो अध्यस्य अन्न ग्रहणम भवती अध्यमान जो अन्न है उसी को सर्वसाधारण अन्न रूप में ग्रहण किया उसके अंतर्गत वैष्णदेव अन्न जो है ना किंचित होता है. इसलिए श्व चांडाल के बोल रहे हैं क्योंकि वैष्णदेव जो आप बलि देते हो भी कौन दे सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन सुदृढ़ तो दे नहीं सकते. और उसके द्वारा भी खाने योग्य अन्न को हम क्या मान रहे, सर्वसाधारण में दे रहे. अरे वैश्य उसके द्वारा खाद्यमान खाद्यमान तो है नहीं, अध्यमान अन्न तो है. अरे स्व चांडाल आदि सभी के द्वारा अध्यमान जो अन्न है वही सर्वसाधारण अन्न जब कहूंगा तो वैष्णदेव अन्न को साधारण अन्न कहना उचित नहीं बन सकता. क्यों, वैष्णदेव व्यतिरिक्त अभी स्व चांडाल आदि अद्य अन्न दर्शन आ गया, क्योंकि वैष्णदेव अन्न से भिन्न अन्न को भी खाते हुए देखने को मिल रहा है. किनके द्वारा, स्व चांडाल आदि के द्वारा, जो आपके द्वारा जो वैष्णदेव बलि है उसी को खा करके कुत्ता बिल्ली चांडाल वगैरह जी रहे क्या, उससे भिन्न अन्न को भी खा करके वे जी रहे हैं, फिर वो अन्न सर्वसाधारण कोटि में नहीं आ पाएगा. इसीलिए हमें वैष्णदेव अन्न को ही में सर्वसाधारण का संकोच करना उचित नहीं है, ये इनका सिद्धांत. इसलिए भरती प्रपंच का जो सिद्धांत है वो अनुचित सिद्धांत है. स्व शांडार आदि अध्यान्न अध्य जो अन्न है वो देखने को मिलता है तत्र युक्तम इदम अद्यते, और इसलिए उसने उन सारे अन्नों को ग्रहण करने के लिए ही इदम अद्यते तत् सर्वम ये जो कहा गया है वो युक्त युक्त भी सिद्ध हो जाता, अनुकूल हो जाता. इसलिए वैष्णदेव अन्न को ही साधारण कहना उचित नहीं, ये सिद्ध हो गया. यदि तन्न गृहीत साधारण शब्द है ना,
ये मान लीजिए सर्व साधारण अनुभूता स्वचांडल आदि के द्वारा सभी के द्वारा अनुभव को आप साधारण रूप में अधिग्रहण नहीं करते तो पित्र स्वचांडल आदि के द्वारा जो खाया जा रहा है भोजन ना, वो क्या भोजन है? वो प्रजापति के द्वारा नहीं पैदा किया उनको खा रहे पिता असृष्टत्व है, पिता के द्वारा सृष्ट नहीं है और पिता के द्वारा उन लोगों के लिए विनियुक्त भी नहीं है। ये अमुक का अनुभव स्वचांडा नदी के लिए ये अनुभव ऐसे विनियुक्त तो है ही नहीं, अविरुक्त उनको खा रहे, ये दोष हो जाएगा। पिता असृष्टत्व अविरुक्तत्व तस्य प्रसिज्यता तस्मिन् स्वचांडा नद्य मानस्य अन्नस्य प्रसिज्यता एनिष्यति हि तस्तृष्टत्व तविरुक्तत्व च सर्वस्य न जातस्य। एनिष्य क्या है? प्रजापति के द्वारा पिता के द्वारा सृष्टत्व ही इष्ट है, प्रजापति पिता के द्वारा विनियुक्तत्व ही इष्ट है, सभी अन के अंदर सर्वस्य न जातस्य। जीवो जीवसंयम विरचितम, जीव को अन्य जीव के अनुरूप ही विरचना किया है इस प्रजापति ने, ऐसे भागवत आदि स्थलों में भी है। न च वैश्वदेवाख्यम शास्त्रोक्तं कर्म कुरुता पापं अवेमृत्युयुक्तः। दूसरी बात, यहाँ जो बात कही गई थी जो कोई भी अन्न खा रहा है वह पाप खा रहा है, ये कैसे घटेगा? जो वैश्वदेव आपके अन्न को खाता है वो क्या पाप का भागी होता है? ये तो शास्त्र विधि से विहित है, विहित कर्म करने से पाप कहां से हो गया? यदि विहित कर्म करने से पाप हो जाए फिर सारा तुम्हारा एक ही कर्म कर सकते हो, इसलिए विहित कर्म के अंदर पाप का संबंध आप कथन नहीं कर सकते। और ये जो अन्न है सर्वसाधारण का खाने से पाप संबंध होता है, इसका तभी वैष्णव से खंडन नहीं होगा, वैष्णव से भी नहीं लेना पड़ेगा। नच वैष्णव वाक्यम शास्त्रोक्तम कर्म, तो वैष्णव वाक्य कर्म कैसा है? शास्त्रोक्त कर्म है, उसको करता हुआ पाप पर अविनिवृत्ति नच युक्ता, पाप से अविनिवृत्ति का कथन जो ना बन नहीं सकता। क्यों? तो वैष्णव देवा की जो कर्म आप कर रहे हो कोई प्रतिष्ठित कर्म है क्या? नच तो सब वास्तविक विद्या का अधिकारी नहीं हो सकते। सर्वरूपता की प्राप्ति भी दुख रूप है और सर्वान्न सप्तान्न बनना भी दुख रूप ही है। सप्तान्न भाव की प्राप्ति हो या सर्वरूपता की प्राप्ति हो, दोनों ही दुख रूप ही है। नीचे दे रहा है, देखिए, जीव कर्म कर्तृत्व लक्षणो अनर्थ मृतस्या विदुष कर्म फलानर्थयोच्यते पूर्व जन्म निष्ठाय कर्मोपास्ती अनाथविद जगत सप्तान्न रूपेण सृजत्युत्तर जन्मनि चतुर्थ ब्राह्मण प्रोक्तम यज्ञ विज्ञान कर्मणो फलम तथापि वैषम्यम अस्ति जीवेश रूपतः उत्कृष्ट ज्ञान कर्म अभ्याम वैराजम पदमाप्य तत् यत् जगत सृजति तत् प्रोक्तम चतुर्थ ब्राह्मणे पुरा निकृष्ट ज्ञान कर्माभ्याम मनुष्यादि पदम गतः स्वभोग्यम सृजते यत्तत् पंचम्यस्मिन् उदीर्यते। बृहदारण्यक वार्तिक सार बहुत सुंदर संग्रह करके बता रहे हैं चौथे और पांच ब्राह्मण का विषय। जीवित रहते हुए कर्म कर्तृत्व कर्ण आदि रूपा अनर्थ का कथन किया है चौथे ब्राह्मण ने। मरने के बाद यह विद्वान की दुर्गति होती है कर्म फल प्राप्त।